दोस्तों स्वागत है आपका टीजीटी संस्कृत की टीजीटी पीजीटी की कक्षा में। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण है आशीर्वादात्मक नमस्कारात्मक वस्तु निर्देशात्मक तीनों। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों आशीर्वादात्मक। श्रद्धा छंद में मिलता है यह मंगलाचरण या सृष्टु सृष्टुराध्या वहति विधिहुतम या हवेरिया चहोत्री यह मंगलाचरण है और इसमें आशीर्वादात्मक मंगलाचरण यह बताया गया है। भगवान शिव की इसमें स्तुति की गई है और उनसे प्रार्थना की गई है कि वो अष्टमूर्ति शिव की स्तुति की गई है इसमें और उनसे प्रार्थना की गई है कि वो हमें आशीर्वाद दें। अगला प्रश्न है दोस्तों शाकुंतलम का अंग्रेजी अनुवादक का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवादक का गेटे विलियम जोन्स दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों विलियम जोन्स। शाकुंतलम का अंग्रेजी अनुवादक सबसे पहले विलियम जोन्स ने किया और उन्होंने द लास्ट थिंग्स एक पुस्तक है उनकी जिसकी भूमिका में उन्होंने कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा है। क्या कहा है दोस्तों? शेक्सपियर भी कहा है। और गेटे की बात करें तो इन्होंने फाडस्ट करके इनकी बुक है उसमें अभिज्ञान शाकुंतल की भूरी भूरी प्रशंसा की है गेटे ने। विलियम जोन्स ने अंग्रेजी में अनुवाद किया है। अगला प्रश्न ले लेते हैं दोस्तों कालिदास का प्रथम नाटक कौन सा है? मालविकाग्निमित्रम विक्रमोर्वशीयम शाकुंतलम मेघदूतम। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों मालविकाग्निमित्रम। कालिदास के तीन नाटक मिलते हैं। कितने नाटक मिलते हैं दोस्तों? तीन नाटक, मालविकाग्निमित्रम विक्रमोर्वशीयम शाकुंतलम जिसमें सबसे पहला नाटक मालविकाग्निमित्रम है और सबसे अंतिम जो उनका नाटक है, नाटक की बात करें वो है अभिज्ञान शाकुंतलम। अगला प्रश्न ले लेते हैं दोस्तों नाट्यम भावानुकीर्तनम नाटक का लक्षण है भरत का, भामय का, मम्मट का, विश्वनाथ का। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों भरत का। भरत ने अपना जो उनका नाट्य शास्त्र है उसमें लिखा हुआ है कि त्रिलोकस्यास्य सर्वस्य नाट्यम भावानुकीर्तनम, यह उन्होंने नाटक का लक्षण दिया है। अगला प्रश्न है दोस्तों महर्षि कर्ण का आश्रम किस नदी के तट पर था? मालिनी, सरयू, गंगा, सरस्वती। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों मालिनी। मालिनी नदी पर कर्ण का आश्रम स्थित था। अगला प्रश्न ले लेते हैं दोस्तों वह महिला तपस्विनी जिसके साथ शकुंतला हस्तिनापुर जाती है अनुसुया, गौतमी, प्रियंवदा, वसुमती। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों गौतमी। जो हस्तिनापुर जब शकुंतला जाती है दुष्यंत के पास तो उनके साथ शारंगरव, शारद्वत और गौतमी ये तीनों जाते हैं। तो क्योंकि यहां पर महिला पूछा है तो महिला सिर्फ गौतमी है। अगला प्रश्न ले लेते हैं दोस्तों विज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण में किस अलंकार का प्रयोग हुआ? अनुप्रास, समासोक्ति, दोनों, यमक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों अनुप्रास और समासोक्ति दोनों ही हुए हैं। तो ग इसका सही उत्तर है। अभिज्ञान शाकुंतलम में जैसा कि बताया गया है श्रद्धा छंद का प्रयोग हुआ है और इसमें शिव की अष्टमूर्ति भगवान शिव की स्तुति की गई है और इसमें अनुप्रास और समासोक्ति दोनों ही अलंकार मिलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों शाकुंतलम में सोमरात पात्र है पुरोहित, द्वारपाल, सेवक या कर्म का शिष्य। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों पुरोहित। शाकुंतलम में सोमरात जो है वो एक पुरोहित है और अगर इसमें दो तीन पात्र और भी पूछते हैं परीक्षाओं में जैसे सेनापति भद्रसेन, दुष्यंत का सेनापति है भद्रसेन, एक रैवतक जो कि द्वारपाल है, एक आता है करभक। करभक कौन है? ये दूसरे अंक में राजा के पास राजमाता का संदेश लेकर आते हैं, सेवक है यह एक। तो इस तरह से ये दो तीन पात्र हैं जिनके बारे में बार बार पूछा जाता है। एक मातली पात्र है जो इंद्र का सारथी है। अगला प्रश्न ले लेते हैं दोस्तों दा धातु लिट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन में रूप बनता है ददु, दद, ददित, ददौ। यहां पर लिट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन की बात कर रहे हैं दोस्तों, मध्यम पुरुष बहुवचन। तो इसका सही उत्तर ख, दद, ददौ, ददतु, ददुह, ददित, ददाथ, ददथु, दद, ददौ, ददिव, ददिम, ये लिट लकार में रूप चलते हैं। दा धातु जो है ज्योत्यादि गण की धातु है जिसमें 24 धातुएं मिलती हैं। कितनी धातुएं मिलती हैं दोस्तों? 24 धातुएं मिलती हैं और उभयपति धातु है ये, दा धातु परस्मैपदी आत्मनेपदी दोनों में ही चलती है ये और लिट लकार का मध्यम पुरुष बहुवचन में दद बनता है। अगला प्रश्न देख लीजिए करह स्तव भव है, यहां प्रत्यय है नंग, अप, घय, अंग। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों अप। कौन सा प्रत्यय लगेगा? अप प्रत्यय लगेगा। एक सूत्र है रिदोरप। कौन सा सूत्र है दोस्तों? रिदोरप। रिदोरप से ऋकारांत और उकारांत धातुओं में अप प्रत्यय लगता है जैसे क्री अप, करह बिखेरना होता है इसका मतलब, ग्री अप, ग्रह विश्व होता है, यू अप, यवह, लू अप, लवह, इस तरह से स्तु अप, स्तवह। तो ऋकारांत और उकारांत दोनों धातुओं में रप प्रत्यय अप प्रत्यय होता है। क्लियर है ये? वेरी गुड। तो आज के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ टीजीटी पीजीटी की तैयारी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि संस्कृत से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं।